जी हाँ दोस्तों, थंबनेल बिल्कुल आपने सही सुना कि आपके जमीन के कागज से आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्कैम का नया जरिया सामने देखने को हाल ही में आया है, जिसमें पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिन्होंने जमीन के कागजात से लोगों के अकाउंट से पैसे कर रहे थे खाली। क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज किया है पुलिस ने, क्या जानकारी दी है, इस वीडियो में बताएंगे, ताकि जान ले कि स्कैमर किस प्रकार से अभी के डिजिटल समय में स्कैम कर सकता है, आप इन सब चीजों से कैसे भी बच सकते हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। ये जो स्कैम निकल के आ रही है बिहार से आ रहा है, यहाँ पे जमीन के कागज से हो रहा था लोगों के खाते के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड। अब आप बोलोगे जमीन के खाते फ्रॉड कैसे हो सकता है, जमीन के केवाला से, जमीन से, कागज से उसे फ्रॉड कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो आप जमीन के केवालों का भी पढ़ना आपके पास होंगे, पेरेंट के होंगे कि नहीं के होंगे, पढ़ना उसको, आपको उसमें जमीन के ब्यौरा होता है, जमीन के देखना फर्स्ट पेज में ही पीछे का साइड जो ले जमीन खरीद रहा है या फिर जो बेच रहा है के नाम होते हैं, सबके थप्पा फिंगरप्रिंट, सब उंगली के छाप लगते, सब कुछ बढ़िया से उसमें इनपुट किया रहता है, और प्लस किस बैंक में पैसा लिया गया दिया गया, उसके थ्रू कितने राशि में लिए गए, वो सब चीज लिखा हुआ रहता है। और अभी कई सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो ये केवाला को ऑनलाइन, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो मिल जाता है, ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। तो स्कैमर ने यहाँ पे लूप होल ये निकाला कि उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया इस टाइप के केवाले को और उनमें कस्टमर की पहचान की एंड उसकी जमीन के पेपर के ऊपर उनके फिंगर के छाप थे, उन छाप को भी उठाया और 3D प्रिंटिंग के तहत उनका एक डुप्लीकेट सिलिकॉन आर्टिफिशियल, जो वो क्या क्या चीज के होते, PVC वगैरह के होते, उसके वो छाप को स्कैन कर, जैसे कि आप रबर स्टैम्प बनाते हो तो डिजिटली करके वो बनाता, उसी प्रकार से वो बनाया और पूरा फिंगर का एक डुप्लीकेट बना लिया उसकी स्पेस पे, जो उसने छाप जमीन के पेपर पे दे रखा था। अब देखो, जमीन से स्कैमर के पास लूप होल ढूंढा, ये फर्जरी काम किया एंड उसने क्या क्या किया, उनके बैंक पता चल गए, आधार नंबर ऊपर हो ही गया होगा, एक फिंगरप्रिंट बना लिया। अब क्या करना था, उस स्कैमर को चाहिए थे एक फिंगरप्रिंट डिवाइस जो भी यूज करता हो, और कस्टमर का या फिर जिसका भी केवाला उसका आधार नंबर, जो केवाला साथ शायद इसलिए मिल ही जाता या फिर उसको मिलना उतना दिक्कत नहीं था, इसने इस चीज को पता किया और बस फिर किया था, फिर बिना फिंगर लगाए उन स्कैमरों ने फेक आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट थ्रू से पैसे का घोटाला करना चालू किया। एक दिन 10,000 उठता मालूम है। अब यहाँ पे बात आती है कि उन्हें आईडी कहाँ से मिला, श्योर सी बात है कि जो APS आईडी मिलती है वो कहाँ से मिली। तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय ऑनलाइन आईडी मिल जाती है, अब तो फ्री में मिल जाता है। कई सारे ऐसे लोग है, मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटर की, पेनी अरबा अलग अलग कंपनी के जो भी है, वो बिना सॉफ्ट वेरीफाई के कई लोग को आईडी देते, इस कारण पे डिस्ट्रीब्यूटर पे भी खतरा रहता है कि आप जिसे आईडी देते हो श्योर करे वो आदमी ट्रस्टफुल है, कोई भी स्कैम का काम ना करे, उसका पर्सनल शॉप हो। ये नहीं किसी भी राह चलते लोगों को आपने आईडी बांट दिया, अब वो इस प्रकार से गलत हरकतें करता हो। जब इनकी सूचना मिला उनको कि जब उनके अकाउंट पैसे कटने लगे, मोबाइल जब मैसेज गिरता है, तो उसने हरकत में आया और बैंक में कंप्लेन दिया। इसीलिए आप जब भी अपनी बैंकिंग लेनदेन करते हो, आप एक BC हो, CSP चालक हो, तो कस्टमर को हमेशा बोले एक्टिव मोबाइल नंबर हमेशा अकाउंट में जुड़ा कर रखे, ताकि कोई भी लेन देन हो उसका मैसेज गिरे। ऐसे कई सारे लोग हैं जिसने अकाउंट में कौन सा नंबर दिया, नंबर बंद हो गया, कोई पता नहीं। ज्यादातर लोगों में देखा हूं जो फिंगर से काम करते हो नंबर बैंक में जुड़ा कर नहीं रखते, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब इस प्रकार के स्कैम में बहुत ही इजीली था पकड़ना, पहला चीज वो उसने किस लोकेशन से किया, वो लोकेशन मिल जाता है APS काम के बिना, या लोकेशन का एक एप्लीकेशन APS से काम नहीं करती है। दूसरी आईडी किनके नाम पर है, किस बंदे के नाम पे वो मिल जाता, तो इन सब बिना पे पुलिस इजीली ट्रैक कर पाई और इस स्कैमर को पकड़ा। और ऐसा स्कैम सामने आया कि जमीन के केवाला से वहां से फिंगरप्रिंट को उठाकर ये स्कैमर कई सारे लोगों को चूना लगा चुका है ऑनलाइन, जिनके डिटेल कुछ बिहार के थे, कुछ बिहार के बाहर के थे, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल के, जमीनी पोर्टल में केवाला यूं ही मिलता, उसके पीछे सारा डिटेल फिंगर सब मिल जाता, और स्कैमर इसका लूप होल ढूंढ कर इस प्रकार से बड़ा ठगी किया, लेकिन इस ठगी में पकड़ा गया। तो इस वीडियो का मकसद यही है आपको अवेयर करना कि इस प्रकार के भी फ्रॉड होते हैं अगर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू लेन देन या फिर आपकी APS सिस्टम चालू है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने आधार को लॉक कर रहे, बेसिकली M-Aadhaar नाम से एप्लीकेशन आती है, वहां पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है। अगर आप लॉक कर रखते हो तो कोई भी आप फिंगर ऑथेंटिकेशन करे आपके अनलॉक किए बिना नहीं कर सकता। कभी कोई काम पड़ गया, OTP वेरिफिकेशन हो गया, तो वहां पे आपको एक बार अनलॉक करना होगा, 10-15 मिनट के बाद वो फिर लॉक हो जाएगा काम करते करते। तो आप इस प्रकार सिक्योर रह सकोगे, और फिंगर बेस पे कोई भी स्कैम या फिर आधार OTP बेस पे
कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर डिटेल तो मैं दे दूंगा, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के क्या फायदे नुकसान है, अगर आपको डिमांड आ नीचे कमेंट किसके बारे में बताना मैं बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस भरा रहा होगा। बाकी और भी अवेयरनेस लाइक वीडियोस है सामने, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं एंड सामने वीडियो चेकआउट कर, जिसमें कई सारे बैंकिंग फ्रॉड स्कैम लोगों के साथ होते हैं, कैसे बचे डीटी जवान डीटी फ्रॉड से कैसे बचे, इन सब रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।